क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबरें, वर्ल्ड रिकॉर्ड, आईसीसी रैंकिंग और आने वाली सीरीज के शेड्यूल से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें बीओ ऑफिशियल चैनल को और दबाएं बेल के बटन को ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। शुक्रिया। व्यूअर्स, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने कहा है कि सरफराज अहमद की क़यादत को कोई ख़तरा नहीं है, कप्तान को हटाना मसले का हल नहीं है। व्यूअर्स, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने कप्तान सरफराज अहमद पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 1.5 साल से सरफराज की क़यादत में टीम अच्छी कारकर्दगी दिखा रही थी तो सब उनके गुण गा रहे थे, लेकिन ख़राब कारकर्दगी होते ही तनकीद शुरू कर दी। व्यूअर्स, उन्होंने कहा कि जब टीम हारती है तो कोई उसका वाली वारस नहीं होता, ताहम मुझे कप्तान और टीम पर पूरा भरोसा है कि वो आइंदा सीरीज में बेहतरीन खेल पेश करके नायक दीन के मुंह बंद कर देंगे। व्यूअर्स, चीफ सेलेक्टर ने एशिया कप में पाकिस्तान की कारकर्दगी पर मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि जीत और हार से किता नज़र हम एशिया कप में अच्छी क्रिकेट नहीं खेल सके, लड़कों को अपनी कारकर्दगी के मेयार को बुलंद करना होगा। उन्होंने कहा कि मेरी हेड कोच मिकी आर्थर से बात हुई है, एक आध तब्दीली मामूल की बात है, ताहम किसी बड़ी तब्दीली नहीं कर रहे क्योंकि उन्हीं लड़कों ने पहले कारकर्दगी दिखाकर खुद को साबित किया है और चैंपियन बनाया पाकिस्तान को। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट लाजमी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।